हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक पूर्णिमा के लिए बोट बना रहे हैं। अंकल भी मेरे साथ मिलकर बना रहे हैं बोट्स और कल हम इसे समुंदर में बहा देंगे। कार्तिक पूर्णिमा में ओडिशा में बोट्स बनाते हैं और उसे समुंदर या नदी में बहा देते हैं। आंटी इधर देखिए। हेलो। आंटी का आज एक व्रत है, आंटी पूजा कर रही है। बच्चा पार्टी इधर मस्ती कर रहे हैं और ये लोग शैतानी करने में तो माहिर ही हैं। ये तो आंटी जी ने प्रसाद के लिए वड़े बनाए हैं और बहुत सारे टाइप के फल भी रखे गए हैं। आंटी जी शिव जी की पूजा कर रही है। हमने एक बड़ा वाला बोट बनाया है जो फैमिली बोट है, हम सब मिलकर इसे बहा देंगे। इसमें जगन्नाथ जी का पिक्चर ड्राइंग है और दूसरे साइड में कोणार्क टेंपल भी है। और ये जो फ्लावर वाला बोट है ना, वो मेरा बोट है। और इस बड़े वाले बोट में पूरी जगन्नाथ टेंपल का भी ड्राइंग हमने बनाया है। ये एक छोटा सा बोट है जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये तो स्वरूप जी का बोट है। ये आंटी जी का बोट है और ये मेरी मम्मी का बोट है। ये मेरी बहन का बोट है। हम अभी होलैंड बीच में आए हैं और हमने बोट में दिया लगा दिया है, दिया और अगरबत्ती। मामा और आंटी दिया लगा रहे हैं और हम लोग खेल रहे हैं। मैं बनाना को क्यों मारूंगी? इस दिन ओडिशा के सेलर्स समुंदर के द्वारा फॉरेन शोर जाते थे, जैसे मालदीव, श्रीलंका, और उनके याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हम अभी बोट्स बहाने जा रहे हैं। मेरे पापा बाहर गए हैं इसलिए हम उन्हें भी बहुत मिस कर रहे हैं। अगर वो होते तो और भी मज़ा आता।
बोर्ड खाओ ना, अब चल खाली करते बोर्ड। हम्म, बोर्ड पतिका पतिका दिखने, अब बोर्ड दिखने रहा है। पुराने ज़माने में बोर्ड बनाना लीफ या फिर कोकोनट स्टिक से बनाए जाते थे, पर हमारे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने थर्मोकॉल से बनाया है। हमने सब बोर्ड्स को बहा दिया है, देखिए कितने दूर चले गए हैं। अभी हम स्विमिंग करने वाले हैं। बोर्ड्स बहाने के लिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हैं। सौरभ जी पूरा पानी में सो गए हैं। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, फिर मैं रंगोली डालूंगी, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। हम बोर्ड को समंदर में रख के आ गए हैं, अब मैं रंगोली डाल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तब तक के लिए बाय बाय।